हे देवी माँ, आपने आज इतने सालों बाद मुझे मेरी मम्मी से मिलाया है, तो उन्हें जल्दी से ठीक भी कर दीजिए। अब मैं उन्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। वहां से बोले हमें प्यार करे। बरसों से हम अपनी मां के बिना रहे हैं। मां बेटी का जो ये बरसों से अधूरा प्यार था, उसे अब मैं पूरा करना चाहती हूं। मेरी मम्मी पर दया करो मां, उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा करो मां। तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम गुलरी का फूल हो गए हो। अरे जब भी हम तुम्हारे ऑफिस फोन करते हैं तो तुम्हारी सेक्रेटरी बोलती है अपॉइंटमेंट लो। कभी तुम मॉरिशस जा रहे हो, कभी लंदन जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो। अरे मामा से मिलने के लिए एक पल की फुर्सत नहीं है, आ जा रहे हो हैं? मामा एक्चुअली अरे क्या एक्चुअली फैक्चुअली करते रहते हो, मामा से यही गिट पिटाना जानते हो तुम। अरे मामा तुम हमारे इकलौते भांजे हो, और मामा तड़पता रहता है अपने भांजे के लिए, आ जा रहे हो। अरे हमारी फूटी किस्मत, ऐसा भांजा होता है किसी मामा का। मामा मैं काम में बिजी था इसीलिए। अरे का बिजी, हम ही बिजी रहते हैं, लेकिन इसका का मतलब हम मिलना छोड़ देते हैं। अरे हमारी आत्मा तड़पती है, हमारी बहन के इकलौते तुम ही तो नामो निशान हो, और तुम ऐसे हमसे नाता तोड़ के चले जाओगे तो मामा का क्या हाल होगा? सोचा है अपने मामा के बारे में? बहुत रुलाते हो। अरे याद है, कुछ याद है तुमको? अरे इतने नान के थे, गोदी में लेके घुमाते थे, मुत्ती कर देते थे तुम हमारे गोदी में, पेशाब कर देते थे, हम लेकिन कुछ ऐतराज नहीं किए। और आज इतना बड़े हो गए हो तुम कि अब हमसे आईडी बाड़ी एक्चुअली बोलोगे, सॉरी बोलोगे, ये बोलोगे, वो बोलो। अरे मामा माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। सब ठीक है ना? नहीं मामा। क्या बात है? सब ठीक नहीं है मामा। क्या हुआ? वो थोड़ी सी टेंशन है। टेंशन? अरे हमारे भांजा का टेंशन? बेटा ये तो दरवाजा पे बाहर अपने टेंशन छोड़ देते, मामा के पास टेंशन लेके आए हो। चलो कोई बात नहीं, क्या बात की टेंशन बताओ, अभी हम सॉल्व कर देते हैं टेंशन तुम्हारा। बोलो क्या बात है? मामा वो क्या है कि मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है। अच्छा, तो कुछ मामला है, कुछ है गटंग? अरे हम समझ जाते हैं, मामा है तुम्हारे। अरे हमको सब पता है, कुछ करे हो है? कुछ हुआ है मामला है? मामा हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, हम जानते हैं तुम्हारी फितरत, तुम चाय पी के कुल्लर फोड़ देना चाहते हो ना। अरे हम जानते हैं भैया तुमको, मामा है तुम्हारे। मामा बात यह है कि वो टेंशन घर तक पहुंच गई है। रचना को पता चल गया का? जी मामा। और वो ये का किया तुम? वो घर छोड़ के चली गई। अरे बाप रे बाप। बेटा हे बेटा, यही यही कहते हैं मामा से दूर रहोगे ना तो यही सब गड़बड़ करोगे। ये तिरेक भिड़ानी पड़ती है बेटा, तिरेक।
जिससे घर भी संभला रहे बाहर भी संभला रहे, ये क्या किए तुम यार? मामा मामा की गणित समझो बेटा, हुआ का तू डिटेल में बताओ हमको। वो क्या हुआ मामा कि मैंने सोचा वो लड़की मेरे हाथ में आ जाएगी, लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा आदर्शवादी निकली। अरे लेकिन तुम चाहते क्या हो? आदर्श उदर्श छोड़ो यार, तुम क्या चाहते हो ये हमको बताओ। मामा वो पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दे रही है, वो कह रही है कि वो मेरा मेरा असली चेहरा दुनिया के सामने ले आएगी। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ है? कुछ नहीं हुआ मामा, वो फिर कहा है कि पुलिस स्टेशन ले जा रही है, तो पगला गई है का? अरे तुम हमको बताओ, पता दो उसका। अरे हम उसका खानदान तबाह कर देंगे, गोली मार देंगे, उसको मार दे, उठवा के लाएं, अभी लाएं, तुम ये बदल जा। मामा बस यही है कि उसकी बोलती बंद हो जाए, वो अपनी जुबान की। अरे उसकी तो बोलती हम बंद करेंगे बेटा, मामा तुम्हारा जिंदा है, हम उसकी बोलती क्या उसके खानदान की बोलती बंद करवा देंगे। उर्मिला माँ कैसी हो? अच्छी हूँ, कब से तेरे बारे में सोच रही थी, फिर सोचा कि चल के देख ही लेती हूँ तुझे। क्या माँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानती ही नहीं। मेरा दिल तो नहीं मानता, तुझे तो कभी इतना भी नहीं होता कि दो दिन आ और अपने माँ बाप से मिल। अरे दूसरी लड़कियाँ तो बहाने ढूंढती हैं मायके जाने के, लेकिन तू, तुझे ससुराल से ही फुर्सत नहीं है? ऐसी बात नहीं है माँ, घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, अब ये सब छोड़कर मैं आपके पास कैसे आ सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों में तो इतनी उलझ गई है कि अब तुझे हमारा ख्याल ही नहीं है। नहीं माँ, मुझे सबका ख्याल है। अच्छा माँ, पता है जान की दीदी वापस आ गई हैं। अच्छा, कौन लेकर आया उसे? मैं उन्हें यहाँ लेकर आई, टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ा है मैंने। माँ कहाँ थी वो? मेंटल असाइलम में, वहाँ से निकाल कर किसी प्राइवेट जगह पर मैंने उनका इलाज करवाया बिना किसी को कुछ बताए। बेचारी अपने पति अपने बच्चों से बिछड़ कर उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ओहो, अब कैसी है वो? तबीयत काफ़ी बेहतर है उनकी, लेकिन अभी भी वो किसी को नहीं पहचानती। लेकिन माँ, डॉक्टर कहती हैं कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी और सबको पहचानने भी लगेंगी। तुम्हारी सास को कोई एतराज तो नहीं हुआ? उसने जानकी को माफ कर दिया? माफी किस बात की माँ, जब जानकी दीदी ने कोई गलती ही नहीं की थी तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिना किसी गलती के उसे इतनी बड़ी सजा? माँ शायद जानकी दीदी की किस्मत में यही लिखा था। अब जानकी दीदी घर आ गई है तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर कोई बीते हुए दिनों को भुलाकर आने वाले दिनों के बारे में सोचे। जो बीत गया सो बीत गया। बीते हुए दिनों को भुलाना इतना आसान नहीं है उर्मिला, वो दर्द हमेशा साथ रहता है। माँ मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जानकी दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उन्हें उनका खोया हुआ प्यार, उनका पूरा अधिकार मिल जाए। जानकी के अधिकार और प्यार के लिए तुम्हें इतनी चिंता है, कभी अपने बारे में भी सोचा है? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? यही कि जानकी को तो उसका अधिकार तुमने दिलवा दिया, लेकिन तुम्हारा खोया हुआ रिश्ता तुम्हें कौन दिलवाएगा? मैंने कौन सा रिश्ता खोया है माँ? मैं तुम्हारे पति निशांत की बात कर रही हूँ, उसे कौन और कब तुम्हारे पास लेकर आएगा ये सोचा है तुमने? आशीर्वाद नहीं देंगी का? छूने दीजिए ना आपका पैर, आपको शायद मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, किसी ने बताया नहीं होगा ना। इधर हम गुड्डी हैं, गुड्डी और चंपा आपकी होने वाली बहू।
से ना हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। पता है हमारे चाचा कहते हैं कि सासू माँ की खूब सेवा करना, हम आपके सर में महकौवा तेल भी लगाएंगे। लीजिए खाइए ना। पता है हमको पहले आपसे बहुत डर लगता था, लेकिन आप तो एकदम सीधी हैं, एकदम चुपचाप बैठी हैं। अच्छा बताइए हम आपको पसंद है या नहीं, कुछ बोलिए ना, आप तो एकदम चुपचाप बैठी हैं। अच्छा हम आपको गाना गा के सुनाएं या डांस करके बताएं? हमको गाना गाना भी आता है और डांस करना भी आता है, बताइए ना हम क्या करें। अब आप कुछ बोलेंगे नहीं और हम इतनी देर से बकड़ बकड़ करे जा रहे हैं, कुछ बोलिए ना। तुम नर्स हो ना? नर्स? हम आपको नर्स नजर आते हैं। हाँ मैं जानती हूँ तुम नर्स हो, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। फिर नर्स? नर्स तो अस्पताल में होती है, वो तो सुई लगाती है, हम तो आपकी बहू हैं। बहू? वो क्या होती है? नहीं नहीं मैं जानती हूँ तुम नर्स ही हो, तुम जाओ यहाँ से। हम नर्स नहीं है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है जा रहे हैं। बड़े बाप क्या हुआ, चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं क्या जवाब दूं माँ? दुनिया के हर सवाल का जवाब है तेरे पास, तो फिर इसका जवाब क्यों नहीं है? माँ आप निशांत को सवाल क्यों बना रही हैं? क्योंकि बेटी अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पूरे 10 साल हो गए उसको गए और इन 10 सालों में एक बार भी वो नहीं आया तुझसे मिलने। होगी उनकी कोई परेशानी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो एक पति को अपनी पत्नी से 10 सालों तक दूर रख सकती है, एक बाप को अपने बच्चों से दूर रख सकती है। माँ आपकी इन बातों से मेरी तकलीफ बढ़ रही है। मेरी तकलीफ भी बढ़ रही है बेटी, और इससे पहले की तकलीफ और बढ़ जाए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ कर इसके बारे में। ठीक है माँ मैं निशांत से बात करूंगी। और माँ वो मानसी के बॉस वाला मामला उसका क्या हुआ? वो मानने को तैयार ही नहीं है मानसी, वो अपने बॉस को सजा दिलाना चाहती है, वो नहीं जानती कि ऐसे लोगों से उलझने का क्या नतीजा हो सकता है। माँ मानसी का फोन आया था, वो यहाँ आने वाली है मुझसे मिलने के लिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तो उसको जरूर समझाना बेटे। जी हो सकता है वो तेरी बात मान जाए। मैं चलती हूँ। रुकिए ना माँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। ओके सुमित्रा दरवाजा खोलो। सुमित्रा सुमित्रा इस तरह दरवाजा बंद करके अंदर बैठने का क्या मतलब? मुझे खतरा है। खतरा? इस घर में तुम्हें किससे खतरा है? जानबूझ के क्यों अनजान बनते हैं आप? वो पागल जानकी से मुझे खतरा है, अगर वो फिर मेरे पीछे पड़ गई तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो कोई जानवर है जो तुम्हें खा जाएगी? जानवरों का तो फिर भी भरोसा होता है, इन पागलों का क्या ठिकाना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। सुमित्रा क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अरे पागल को पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप सब मिलकर उल्टी गंगा बहाइए। पागल को पागल खाने में रखना चाहिए और आप उसे घर में ले आए, देख लीजिएगा एक दिन जरूर अनर्थ होकर रहेगा। अनर्थ तो तुम कर, सब कुछ जानते हुए कि वो एक बीमार औरत है,
तुम्हें तो उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप तो यही चाहेंगे कि मैं उसके पास हमदर्दी जताने जाऊं और वो मेरा गला पकड़ ले। ये डर अपने अंदर से निकाल दो सुमित्रा। जानकी को ये प्यार और विश्वास दो कि हम सब उसके अपने हैं। अब हमारा प्यार ही उसे नई जिंदगी देगा। उसे नई जिंदगी देने के लिए मैं अपनी जिंदगी को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। मैं उसके सामने जा ही नहीं सकती हूँ। आप लोग मुझे माफ कीजिए, आपको जो भी करना हो कीजिए। पता नहीं अभी कौन सी अनहोनी होना बाकी है। सुमित्रा, इस तरह की अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। आखिर जानकी ने हमारा बिगाड़ा क्या है? हमारे अपमान और लाछन की सजा काट कर लौटी है। तुम्हें उसकी ऐसी हालत पर भी दया नहीं आती? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सुमित्रा, तुम्हें क्या होता चला जा रहा है? छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो, किसी को कुछ भी कह देना। अगर तुम्हें अपनी ही समझ से चलना है तो ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा।